हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिजीत और आप देख रहे हैं स्टार इनपुटिक सीएनसी। दोस्तों, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जो ट्रेनिंग देते हो 1 महीने का, तो ये किस प्रकार से चलता है? आपके पास इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ाते हो? इंस्ट्रूमेंट मशीन इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट के हाथ में दिया जाता है कि नहीं है? इंस्ट्रूमेंट कितने हैं आपके पास? वर्नियर है क्या? माइक्रोमीटर है क्या? डायल को पढ़ाते हो क्या? और इंस्ट्रूमेंट कितने समय के लिए आप दे सकते हो? ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन होते, तो सोचा कि चलो हम एक बार दिखाई देते कि हमारे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, किस प्रकार से हम सिखाते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट मेरे पास अवेलेबल है। तो चलो आज के इस वीडियो में मैं मेरे पास जो अवेलेबल सभी इंस्ट्रूमेंट है वो आपको दिखाने वाला हूँ। चलो शुरू करते। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग माइक्रोमीटर है। एक सबसे छोटा वाला जो होता है 0 से 25, उसके बाद 25 से 50, 50 से 75, तीनों माइक्रोमीटर यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई पुराना माइक्रोमीटर है, तीनों भी नए माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर के साथ जो होता है मास्टर स्टिक होता है या उसका स्पैनर होता है, ये भी यहाँ पे, यानी कि स्टूडेंट को हम पूरा सेट ही दिखाते हैं कि पूरा सेट कैसे आता है, उस सेट के अंदर क्या क्या चीजें आपको दी जाती है, उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, ये माइक्रोमीटर में हम पढ़ाते। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 अलग अलग वर्नियर है, आप देख सकते हो। शुरुआत करते हैं, यहाँ पे डायल वर्नियर आपको दिख रहा है, उसके बाद डिजिटल वर्नियर, उसके बाद अपना रेगुलर वर्नियर कैलिपर है, उसके बाद डेप्थ वर्नियर है। यानी डेप्थ वर्नियर का इस्तेमाल कैसे करना है, किस प्रकार से डेप्थ चेक की जाती है, रेगुलर वर्नियर का रीडिंग कैसे लिया जाता है, डिजिटल वर्नियर से जॉब कोई चेक करना है तो कैसे करना है, डायल वर्नियर से जॉब चेक करना है तो कैसे करना है। यानी कि 4 अलग अलग वर्नियर है, डेप्थ वर्नियर है, वर्नियर कैलिपर है, डिजिटल वर्नियर है, डायल वर्नियर है। तो चारों भी वर्नियर के टाइप यहाँ पे हम उनको सिखाते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे पास लिवर डायल है, जो कि डायल स्टैंड में बिठा के कोई भी किसी भी जॉब का रन आउट, पैरलिटी, फ्लैटनेस ये चेक किया जाता है। तो उसके बाद उसके लिए हमारे पास डायल स्टैंड है, ये देख सकते हो आप। ये डायल स्टैंड में हम लिवर डायल को फिट करते, बिठाते और उसके बाद इसका रीडिंग कैसे लिया जाता है ये हम स्टूडेंट को सिखाते। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप, नॉट वन का डायल है, प्लंजर डायल है, ये देखिए, ये हमारा प्लंजर डायल है। नॉट वन का एक लाइन है उसका, यानी कि इसमें हम 10 mm तक रीडिंग चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए बेकर का हमारा 1 माइक्रोन का डायल है, नॉट नॉट वन बोलते हैं इसको, तो ये माइक्रोन डायल बोलते हैं, माइक्रोन डायल है बेकर का। इस प्रकार से हम माइक्रोन में भी कैसे चेक किया जाता है ये भी पढ़ाते। यानी 2 अलग अलग टाइप के डायल है हमारे पास, नॉट वन का भी डायल है और माइक्रोन का भी डायल है। दोनों का अलग अलग रीडिंग होता है, कैसे लेना है, उसका एक राउंड का वैल्यू कितना होता है, एक लाइन का कितना होता है, किस प्रकार से सेट करना है, किस प्रकार से चेक करना है, वो हम उनको सिखाते। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 बोरगेज भी अवेलेबल है। सबसे छोटा वाला जो बोरगेज होता है ये 18 से 35 का है, और इसके बाद ये जो है इसके ऊपर लिखा है देखिए 50 से लेके 160 तक, यानी कि इस बोरगेज में हम 50 mm के ऊपर का कोई भी बोर चेक कर सकते हैं, 160 mm तक हम इसको सेट कर सकते हैं। और ये जो है छोटा वाला 18 से 35 है, यानी कि इसके अंदर हम 18 mm से लेके 35 mm तक सेट कर सकते हैं। सभी जो इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाए ये पूरे नए इंस्ट्रूमेंट है, पूरे भी सब सेट के साथ है, यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल आपको सेट में दिया जाता है पूरा मटेरियल हम उनको दिखाते हैं, पूरा मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। और टोटल हमारा जो 1 महीने का ट्रेनिंग है, 1 महीने में सारे इंस्ट्रूमेंट यही पे होते हैं, आपको डेली यहाँ पे आना है, मशीन के ऊपर प्रैक्टिकल करना है, साथ ही इंस्ट्रूमेंट का भी आपको इस्तेमाल करना है। तो 1 महीना लगातार इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके आपको उसका प्रैक्टिस हो जाता है और वो परफेक्ट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये स्नैपगेज है, इससे हम जॉब का ओडी चेक कर सकते हैं, या हम लगेज है इसे हम बोर चेक कर सकते हैं, ये हमारा रिंगेज है जिससे हम मास्टर रिंग यानी कि बोर सेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के गेजेस के भी टाइप है जो हम यहाँ पे दिखाते हैं, और भी कुछ गेजेस है जो अभी हमने कैलिब्रेशन के लिए दिए है तो अवेलेबल नहीं है। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है, 1 महीने का पूरा कोर्स है हमारा, 1 महीने के कोर्स में ये इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आपको दिए जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए। आपको इसका यूज करना है, लगातार यूज करना है और इसको परफेक्ट करके लेना है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको सब दिखा दिया कि हमारे इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से वर्नियर, माइक्रोमीटर, डायल,
क्या क्या अवेलेबल है, किस प्रकार से हम उनको देते हैं, ये सभी मैंने आपको दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको सब समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या क्या सीखने को मिल सकता है। और पूरे इंस्ट्रूमेंट हमारे नए हैं, पूरा सेट है, यानी कि सेट में इंस्ट्रूमेंट के साथ और जो चीजें आती है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, पूरी चीजें आपको इस्तेमाल करने को मिल जाती है। और एक महीना लगातार आपको इसका यूज करना है तो ये परफेक्ट हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर आपको भी ट्रेनिंग लेना है, अगला बैच हमारा 15 मई से शुरू हो रहा है, तो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरा फोन नंबर वीडियो के नीचे दिया हुआ है, कॉल कीजिए, अपना एडमिशन पक्का कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।